हाय फ्रेंड्स, अभी हम जानेंगे क्रेविंग का मतलब क्या होता है और सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होते हैं। क्रेविंग का मतलब होता है लालसा, उत्कट इच्छा, तृष्णा, भूखा। चलिए चार एग्जांपल सेंटेंस के जरिए इस वर्ड का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आई हैव ए बिग क्रेविंग ऑफ स्वीट्स। आई हैव ए बिग क्रेविंग ऑफ स्वीट्स। इस सेंटेंस का हिंदी मतलब है, मुझे मिठाइयों की बड़ी लालसा है। चलिए सेकंड एग्जांपल सेंटेंस लेते हैं। द क्रेविंग फॉर ए सिगरेट ऑफन गोस अवे इन लेस देन ए वीक। द क्रेविंग फॉर ए सिगरेट ऑफन गोस अवे इन लेस देन ए वीक। इस सेंटेंस का हिंदी मतलब है, सिगरेट की लालसा अक्सर एक हफ्ते से भी कम समय में दूर हो जाती है। चलिए थर्ड एग्जांपल सेंटेंस लेते हैं। द डिमांड फॉर यूनियन वॉज सक्सीडेड बाई ए क्रेविंग ऑफ इंडिपेंडेंस। द डिमांड फॉर यूनियन वॉज सक्सीडेड बाई ए क्रेविंग ऑफ इंडिपेंडेंस। इस सेंटेंस का हिंदी मतलब है, संघ की मांग स्वतंत्रता की लालसा से सफल हुई। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं। इफ यू आर क्रेविंग सम नूडल्स एंड राइस, दिस इज द प्लेस टू ईट। इफ यू आर क्रेविंग सम नूडल्स एंड राइस, दिस इज द प्लेस टू ईट। इस सेंटेंस का हिंदी मतलब है, यदि आप कुछ नूडल्स और चावल खाने के लिए तरस रहे हैं तो यह खाने की जगह है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ क्रेविंग का मतलब और सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह हजारों इंग्लिश वर्ड का एग्जांपल के साथ हिंदी में मतलब जानने के लिए इस चैनल के होम पेज पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।